राजस्थानी फिल्म मारी सुपातर बेनड़ी कसीक छे। ये फिल्म का हीरो हीरोइन कौन छे? यह फिल्म कदया रिलीज हुई और इनको डायरेक्शन कौन करियो? यह फिल्म कौन बनाई? ये सारी जानकारी मत आने दूं लो, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चक है, अगर थे मैंने फॉलो कौन कर रखा तो फॉलो करो, ताकि थाना आसियान की जानकारी फिल्म का रिव्यू रेगुलर मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं चो शिवराज गुजर और आज मैं देखी राजस्थानी फिल्म मारी सुपातर बेनड़ी। इस फिल्म को रिव्यू मैं करवा के लिए आज अठे मौजूद छूँ। फिल्म का रिव्यू से पहली थोड़ी सी जानकारी फिल्म का बारे में। फिल्म को नाम तो था ने बता ही दियो मैं, मारी सुपातर बेनड़ी। फिल्म जी बैनर के तला बनी उनको नाम चे फनी पीपल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। यह फिल्म 24 अक्टूबर 2014 में सेंसर हुई। सेंसर बोर्ड से इन्हें यू सर्टिफिकेट मिलो और यह सेंसर होबा के करीब 27 दिन बाद यानी कि 21 नवंबर 2014 ने रिलीज होगी। इस फिल्म को डायरेक्शन संजय सक्सेना करियो छे और इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर छे वहाँ का मायने एक तो खुद संजय सक्सेना छे, एक लक्ष्मण राजपुरोहित छे, एक छे राजेश दियोरा। अब बात करा फिल्म की कहानी की। यह फिल्म विधवा विवाह की जबरदस्त पैरवी करे छे। यह फिल्म एक असली लड़की की कहानी छे जो एकदम मॉडर्न छे, शहर की रेबाड़ी छे, घर में कोई कमी को ने लाइट नाइफ तक एंजॉय करे छे। बा छोरी एक गांव का छोरा का प्रेम में पड़ जाओ छे और उनके लिए वह उनसे शादी करवा के लिए शहर की सारी सुख सुविधा छोड़ गांव में आ जाओ छे। एक हादसा के मायने उनका पति की मौत हो जाओ छे और इनकी जिम्मेदार उनका ससुराल वाला और गांव वाला वो लड़की ने समझे छे और वह जो छे उन्हें मनहूस मान ले छे। अब ये लड़की को रोल करी छे सुहानी गांधी। उनका लड़की का सास ससुर का रोल में छे, ससुर तो बनया छे क्षितिज कुमार और सास का रोल में छे माही दादी। लोग का मरबा के बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो जाओ छे कि ससुर उन्हें घर में देखबो ही न छावे और वो चाहो छे कि बा घर छोड़ चली जावे और इनके लिए पंचायत भी बुलाओ छे, लेकिन भरी पंचायत में रूपाली मना कर दे छे कि मैं यो घर छोड़ खड़े ही न जाऊँ, यो घर मारा लोग को छे, मारा धनी को छे और मैं उनकी वे जिम्मेदारियाँ पूरी कर बो छाऊँ छूँ। जो वह छोड़ गया छे वह छाऊ छा कि मारी ननद को ब्याह हो तो वो मैं करूँ ली और वह अगर होता तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाता तो मैं भी वहाँ की जानी ये परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाबो छाऊँ छूँ। पंचायत यो फैसलो दे छे कि साहब इन्हें ससुराल में राखणो पड़सी। बड़ी मुश्किल छे उनको ससुर माने छे। अडासियों शुरू हो चे रूपाली को संघर्ष, न उन घर में कोई को साथ न गांव में कोई को साथ। इनके बावजूद बा डटी रहे छे, उनकी ननद उनको साथ दे छे, बाद में उनकी सास भी साथ दे बलाग जाए छे और बा जो छे नौकरी की तलाश में निकल जाए छे और नौकरी के लिए उनकी मदद करे छे गांव को सरपंच। वो एक अधिकारी के पास उन्हें शहर में भेजे छे और वो अधिकारी हो छे उदय और उदय को रोल करियो छे इमरान खान कोरी। इमरान खान कोरी पहली नज़र में ही ऊपर फिदा हो जाओ छे और वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाओ छे। वो उन्हें नौकरी तो कौन दिला सके, लेकिन गांव में ही एक प्रोजेक्ट अशु दे देव छे जिस उनको सब कुछ खर्चो चाल तो रहे। साथ में ही उदय उनका पति की मौत को मुआवजो भी उन्हें दिलवा देव छे। जब मुआवजा को 7 लाख को चेक घर में पहुँचे छे तो रूपाली बहुत खुश हो छे, लेकिन उनको ससुर जो छे वो बिल्कुल भी खुश को न हो। वो खे हो चुके ये पैसा माँ के काई काम का छे तो ये कई काम आओला। अठे बहुत ही इमोशनल सीन छे। रूपाली वो चेक उनका ससुर का हाथ में रखती हुई खेचे कि पिताजी ये पैसा पर मारो नहीं, मारा से ज़्यादा था को हक छे और मैं चाहूँ छूँ कि ये पैसा से आप बात जमीन छुड़वा लें जो थे वीर की पढ़ाई के लिए महाजन के अठे गिरवी रखा था। ससुर 88 भाव को जाओ छे और वो भी 88 उनको साथ देबा के लिए तैयार हो जाओ छे। प्रोजेक्ट खैर प्रोजेक्ट पूरो हो छे। प्रोजेक्ट पूरो होबा के बाद में अठे एक और ट्विस्ट छे। अठे फिर गांव वाला उनको विरोध करे छे और वो यो छे कि मंत्री उद्घाटन करते टाइम खेचे के साहब ये काम को सारो श्रेय जो छे वो रूपाली ने जाओ छे तो उद्घाटन भी यही करनी चाहिए जी। तो इनको मंदिर को पुजारी गांव वाला विरोध करे छे कि साहब विधवा एक मंदिर को उद्घाटन एक शुभ कार्य को शुरुआत ख्यान कर सके छे तो सुहानी उनको उद्घाटन कौन करे और ऊंडे बाप बहुत दुखी और रोबा लाग जाओ छे। प्रोजेक्ट पूरा करवा में उदय पूरी मदद करे छे, बीच बीच में वो अपना प्यार को इजहार भी करते रहो छे, लेकिन दबिया सवर में सामने आर कदे भी वो या न खेव कि मैं था प्यार करूँ।
और उदय जतसियों गांव आओ छ, जतसियों ही रूपाली अपनी ननद का पति का रूप में उन्हें देखबो शुरू कर दे छे, और रूपाली की ननद उन्हें अपना भाई का रूप में देखबो पसंद करवा शुरू कर दे छे। अब 88 ट्विस्ट यो छे के रूपाली की शादी उदयसिंह ओली या उदय की शादी गीतासिंह ओली, और कई उनका सास ससुर इस शादी के लिए राजी होला। उदय जो छे वो छे कौन, वो अफसर तो छे लेकिन ई गांव से उनको काई रिलेशन छे, ये सब बातों को जवाब थाने या फिल्म देखबा के बाद में ले लो। फिल्म को क्लाइमेक्स मना तो पतो छे लेकिन मैं बता था को मजो खराब कौन करबो चाहूँ। फिल्म बहुत बढ़िया छे, फिल्म का सारा कलाकार बहुत बढ़िया एक्टिंग करी छे, फिल्म को डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया छे, और फिल्म मने तो बढ़िया लागी छे। अब थाने फिल्म कसीक लागी, थाने यो रिव्यू कसोक लाग्यो मने कमेंट में जरूर बताजो। थे ई फिल्म ने देख लिया या अब कदे देखेला या भी मन कमेंट में जरूर बताजो। अगर थाने या फिल्म देखनी चाहिए तो या फिल्म कदे मिलली या भी मैं थाने बताऊं लो थे कमेंट में मन जरूर पूछो। हर बार की तरह आखिरी में वही बात, आज की मुलाकात बस इतनी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।